नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स 15 महीनों के निचले स्तर 25,000 के नीचे बंद हुआ। लेकिन मोदी पर सेंसेक्स ने भी भरोसा जताया और मार्च 2015 में सेंसेक्स ने 30,000 का आंकड़ा पार किया और एक बार फिर से 2017 में सेंसेक्स 30,000 के जादुई आंकड़े को छू चुका है। माना जा रहा है कि ये मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल की नीतियों पर देशी विदेशी निवेशकों द्वारा मिल रहे समर्थन का नतीजा है। बीते 3 सालों में मोदी सरकार के 5 गेम चेंजर फैसले रहे हैं। राजनीतिक स्थिरता। 2014 में आम चुनावों में भारी जीत के बाद से देश की प्रमुख पार्टी बीजेपी लगातार कई राज्यों के चुनाव भी जीत चुकी है, जिससे विदेशी निवेशकों समेत भारतीय निवेशकों को बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश करने का साहस मिल रहा है। डिजिटल होता भारत। डिजिटल होने से पूरी कार्य पद्धति भी ईमानदारी से हो रही है, जिससे निवेशकों का लगातार विश्वास बढ़ रहा है। नोटबंदी से बैंक मालामाल। मोदी के नोटबंदी के फैसले के बाद देश के बैंकों के खजाने भर गए हैं। वहीं रिजर्व बैंक लगातार बैंक से उम्मीद कर रहा है कि वो अपनी ब्याज दरों में अहम कटौती कर देश में कारोबारी तेजी की शुरुआत करने में अपना योगदान करे। आर्थिक सुधार। जीएसटी लाकर केंद्र सरकार ने देश में एक टैक्स व्यवस्था लागू करने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है, जिससे जनता के साथ साथ बाजार को भी फायदा होने वाला है। रघुराम राजन की जिद। केंद्र में मोदी सरकार बनने के पहले ही देश की मौद्रिक नीति पर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का अहम प्रभाव रहा। राजन ने ब्याज दरों पर अपनी पकड़ मजबूत रखी। इसके चलते आज मोदी सरकार के पास सबसे अहम आंकड़ा ये है कि देश में महंगाई पर सरकार की पूरी तरह से पकड़ बरकरार है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।